सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत से मेरे दोस्तों ने पूछा कि GIF इमेज क्या होती है, GIF इमेज कैसे बनाते हैं और GIF इमेज को कौन सा फिटनेस से करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको GIF इमेज से रिलेटेड सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। वो आपके जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। GIF इमेज बेसिकली एक ऐसी इमेज है जो बेसिकली 3-4 वीडियोज को मिलकर बनाई जाती है। इस GIF इमेज में क्या होता है, जो 3-4 इमेजेस का जो मेन पोर्शन बनता है वो एक सिंगल इमेज ले लेती है। GIF इमेज की खासियत ये है कि ये वीडियो की जो फाइल होती है उसकी तरह बिल्कुल नहीं होती, यानी कि उसकी GIF इमेज का जो लोड होता है, फाइल का जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है। और GIF इमेज की एडवांटेज ये भी है कि अपन इतने भी GIF इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और GIF इमेज एक बेटर है, बेटर लुकिंग के लिए है। एक छोटा सा एक वीडियो का जैसे साइज होता है वैसे एक छोटा सा GIF इमेज होती है। व्हाट्सएप पे भी आप GIF इमेज बना सकते हैं और बहुत इजीली बना सकते हैं। और व्हाट्सएप आपको ये फंक्शनलिटी देता है जो आजकल जो आज दिन आज तक लोगों को पता नहीं है कि GIF इमेज कैसे बनाता है व्हाट्सएप पे। इस वीडियो में हम आपको GIF इमेज कैसे बनाते हैं व्हाट्सएप पे और कैसे सेंड करते हैं वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ लोगों को बताएँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चलिए। तो GIF इमेज सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फाइल डायरेक्टरीज में आ जाना है। फाइल डायरेक्टरीज में आपको सबसे पहले एक वीडियो सेलेक्ट करना है जिसका आप GIF बनाना चाहते हैं और व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने खूब सारे वीडियोस हैं मेरे, इसमें से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। मैंने जैसे ये वाला वीडियो ले लिया, उसको मैंने जैसे सेंड वाला आइकन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो सेंड वाले आइकन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ एप्लीकेशन बता देगा फेसबुक पे सेंड करना है या किस पे सेंड करना है। तो ऑब्वियसली अपन को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप के थ्रू भी बनाना है। तो मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझे बोलेगा कि ये वीडियो को आपको किस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे सेंड करना है। तो मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। तो जब मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये अपन को इंटरफेस देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको याद ध्यान में रखनी है चीज़ की, व्हाट्सएप कभी भी बड़े वीडियोस का GIF नहीं बनाता। तो ये बेटर रहेगा कि अगर आप अपने वीडियो को अगर छोटा बड़ा कर दें तो ये आप देख सकते हैं व्हाट्सएप एक ऊपर ये भी फीचर देता है कि आप अपने वीडियो का छोटा कर सकते हैं GIF सेंड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, तो जब मैंने इसको थोड़ा छोटा किया तो व्हाट्सएप ने अब क्या किया, व्हाट्सएप ने अब एक मुझे राइट साइड में यहाँ पे एक GIF का ऑप्शन दे दिया। मैं वीडियो के थ्रू भी सेंड कर सकता हूँ बट GIF इमेज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि GIF इमेज की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहते हैं कि GIF इमेज की फाइल साइज भी छोटी होती है और ज़्यादा लोड भी नहीं लेता और काफ़ी अच्छी इमेजेस भी बनती है, गुड लुकिंग इमेजेस बनती है। तो जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो GIF व्हाट्सएप ने मुझे GIF का एक ऑप्शन दे दिया। GIF के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है मुझे और नीचे इसको सेंड पे करना है बस, और अपन को कुछ नहीं करना। ये अब आप देख सकते हैं व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी है कि ये ऑटोमेटिकली किसी भी वीडियो का GIF बना देगा। अब आप देख सकते हैं ये GIF बन के रेडी हो चुका है और ये सेंड भी हो चुका है साथ साथ में। अब जब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का GIF इसने क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा GIF नहीं है, ये आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा GIF नहीं है और ये GIF जो है सेंड हो चुका है। तो ये था पूरा GIF के बारे में, पूरा कि कैसे आप GIF बनाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और कैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप GIF किसी भी अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को सेंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल है हमारा टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल, नया नया चैनल है, अगर आप हेल्प करेंगे तो थोड़ा तो चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब ना होगा, टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस डालते रहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं जो आपके निजी जीवन में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपको ये वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।